अगले दर्शक हैं प्रभाकर, मुंबई से हैं और इनका सवाल है, HCL Tech के 600 शेयर इन्होंने लिए हैं, 1167 के भाव पे इन्होंने लिया है, 3 महीने का नजरिया चाहते हैं। गिरीश जी बताएं क्या करना चाहिए। HCL Tech में इनको डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। नए रिवाइजेशन वैसे भी यूएस मार्केट्स को लेके आ ही रहे हैं, आईटी सेक्टर्स को लेके, तो हम कहीं पे भी आईटी सेक्टर्स में थोड़ा सा बुलिशनेस देख रहे हैं, क्योंकि ये सेक्टर बेसिकली बहुत ज्यादा हाई मोमेंटम में नहीं गया, इसने बाजार रैली के साथ काफी पार्टिसिपेट नहीं करा। तो मेरा सजेशन तो ये है कि ये एटलीस्ट इसको मेंटेन करके रखें, 1130 का एक स्टॉप लॉस ये मेंटेन करें अपने लॉन्ग पोजिशंस को कैरी करके और होल्ड करके रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अगले जो दर्शक हैं वो डीसी शर्मा हैं जयपुर से और इनका सवाल है, जोमेटो के 1000 शेयर इन्होंने लिए हैं 75 के भाव पे, क्या करना चाहिए किरण जी। जोमेटो की अगर मैं बात करूं, या तो जिस तरह से प्लेटफॉर्म स्टॉक है तो न्यू एज आईपीओ आए थे, उसमें रिसेंटली ऑफ लेटली हमने देखा था कि नीचे के लेवल से एक अच्छे खासे अप मूव्स या तो हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे थे। पर्टिकुलरली अगर मैं जोमेटो की मैं बात करूं तो जिस तरह से 73-72 का एक हर्डल था उसको काफी अच्छी तरीके से क्रॉस करके अब ये स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन्ड है। तो जोमेटो करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली उनको होल्ड रखना चाहिए। अगर जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको अगर नया एक्सपोजर जोमेटो में लेना हो तो डेफिनेटली ले सकते हैं। ये पर्टिकुलरली एकदम टेक्निकल कॉल है क्योंकि काफी अच्छे ब्रेकआउट लेवल के आसपास अवेलेबल है। 71 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा हमें, 75 के आसपास की सेटलमेंट है और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है ऊपर में आप एटलीस्ट 90 रुपीज तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो जोमेटो में। तो 71 के स्टॉप लॉस के साथ करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है जोमेटो बाय करके हम जा सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास तरीके से आगे बढ़ने की सलाह मिलती हुई। सवालों का सिलसिला थोड़ा रोकेंगे।